Dear students, today we will discuss about Venturi tube, Venturi meter. Venturi जो है ये हमारे पास एक one of the best application of Bernoulli equation है, ठीक है? Application of Bernoulli's principle, Bernoulli's theorem. फ्रेंड्स ये हमारे पास किस काम के लिए होती है? ये हमारे पास होती है फ्लो स्पीड या फ्लो रेट मेजर करने के, अगर कोई किसी पाइप में हमारे पास फ्लूइड मूव कर रहा है, ठीक है? तो इट इज डिवाइस यूज्ड टू मेजर स्पीड और फ्लो स्पीड और फ्लो रेट. फ्लो स्पीड अगर होगा, क्योंकि फ्लो किसका होता है? फ्लूइड का. फ्लो स्पीड और फ्लो रेट, ठीक हो गया? फ्लो रेट थ्रू अ पाइपिंग सिस्टम, थ्रू अ पाइप. और ये देखें, ये आपके सामने इस तरह की है. अगर यहाँ से फ्लूइड ये वेंचुरी ट्यूब है हमारे पास, ये चीज, ठीक हो गया? ये हमारे पास, अब देखें यहाँ पे क्रॉस सेक्शन जो इसका जो एरिया है ट्यूब का, वो क्या है? कम है. यहाँ पे एरिया ज्यादा है. तो फ्रेंड्स आपने देखा होगा, इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी में आपको लिख देता हूँ कि a1 v1 इज इक्वल टू a2 v2. देखिए, अगर हमारे पास स्टूडेंट्स a1 बहुत ज्यादा होगा और v1 हमारे पास कम, ठीक है? अगर इस चीज को हमने कांस्टेंट रखना है, इसको सेकंड चीज अगर हमने कांस्टेंट रखनी है, जैसे हमने कहा था कि ए वी इज इक्वल टू कांस्टेंट, तो अगर एरिया को हम बढ़ाते हैं तो वेलोसिटी को हमें क्या करना होगा? कम करना होगा. तो इसका मतलब है कि जहां पे किसी पाइप का एरिया ज्यादा होता है ना, वहां पे वेलोसिटी क्या होती है? कम होती है. और जहां पे हमारे पास एरिया कम होता है, वहां पे वेलोसिटी ज्यादा होती है. ओके फ्रेंड, तो चलिए अब इसकी जो हमारे पास किस तरह वेलोसिटीज को मेजर करता है, चलिए स्टार्ट करते हैं. हम देखते हैं कि हम अगर किसी पॉइंट पे, जैसे एक ये पॉइंट है, दूसरा ये पॉइंट है, तीसरा ये पॉइंट है, इन तीन पॉइंट पे अगर हमने वेलोसिटी मेजर करनी है तो हम कैसे करेंगे? ये आपके पास एक मैंने फिगर यहाँ पे लगाई है, जहां से आपको क्लियर पता हो. देखिए यहाँ पे एरिया क्या है, एरिया यहाँ पे ज्यादा है, ठीक हो गया? तो यहाँ पे जो होगी वेलोसिटी क्या होगी? कम होगी. देखें ब्लू कलर से शो की है और रेड कलर से वैसे देखें, और इसका आप ना आप इससे अंदाजा लगाएं कि ये जो वेलोसिटी, इसकी लेंथ है वेलोसिटी वेक्टर की, ये कितनी है? यहाँ पे बड़ी है, यहाँ पे छोटी. तो यहाँ पे वेलोसिटी क्या होगी? ज्यादा होगी. और यहाँ पे वेलोसिटी कम. और अभी जो आप रिलेशन ड्राइव करेंगे, आपको उससे पता चलेगा. फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैंने आपको बता दिया कि अगर एरिया बड़ा है तो वेलोसिटी जो होगी हमारे पास कम. और एक और चीज मैं आपको स्टूडेंट्स बता दूं कि अगर कोई दो चीजें प्रोडक्ट में है, मीन एरिया इनटू वेलोसिटी है, तो इन दोनों के दरमियान जो रिलेशन होगा वो क्या होगा? वो हमारे पास इनवर्स रिलेशन होगा. कौन सा रिलेशन होगा? इनवर्स रिलेशन. और अगर कोई दो चीजें डिवाइड हो रही हैं तो रेशियो में, इसका मतलब है कि ये हमारे पास क्या है? ये हमारे पास डायरेक्ट रिलेशन है, इनका डायरेक्ट रिलेशन है. आपको ये चीज समझ आ गई कि अगर दो चीजें प्रोडक्ट में हैं तो हमारे पास उनका रिलेशन क्या है? इनवर्स. और अगर कोई चीजें हमारे पास रेशियो में है, ठीक है, उनका रिलेशन हमारे पास क्या है? डायरेक्ट. तो ये देखना है कि अगर ए वी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, तो यहां से क्या पता चलता है कि वेलोसिटी अगर हमारे पास बढ़ेगी तो एरिया क्या होगा? कम होना चाहिए. और स्टूडेंट्स आपको एक और बता दूं कि जहां पे हमारे पास वेलोसिटी ज्यादा होगी वहां पे हमारे पास प्रेशर कम होगा. तो इट्स मीन कि प्रेशर और वेलोसिटी का हमारे पास इनवर्स रिलेशन है, ठीक हो गया? प्रेशर और वेलोसिटी का हमारे पास इनवर्स रिलेशन है. तो जिस पॉइंट पे, अब देखें यहाँ पे हमारे पास वेलोसिटी इंक्रीज हो गई है, प्रेशर क्या होगा? डिक्रीज हो जाएगा, प्रेशर डिक्रीज होगा. और स्टूडेंट्स आपको ये भी पता होगा कि जो हमारे पास अगर फ्लूइड मूव करता है तो वो फ्रॉम
फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर मूव करता है, हाई प्रेशर टू लोअर प्रेशर, ठीक हो गया। अगर कोई फ्लूड मूव करेगा तो कैसे मूव करेगा, हाई प्रेशर टू लोअर प्रेशर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसकी डेरिवेशन। अब अगर मैं इन दो पॉइंट पे, ठीक है, ये जो A1 है और A2 है, इस पे बर्नौली प्रिंसिपल लगाऊं, तो वो हमें क्या कहता है, वो कहता है P1 प्लस हाफ रो, क्योंकि देखें आप अजम्पशन वही है हमारे पास, आइडियल फ्लूड कौन सा है, आइडियल फ्लूड है, मीन के हमारे पास नो फ्रिक्शन, फ्रिक्शन नहीं है फ्लूड के अंदर, ठीक है स्टूडेंट। फिर हमारे पास इनकम्प्रेसिबल है, इनकम्प्रेसिबल, और हमारे पास क्या है, नॉन विस्कस है। हाफ रो V1 स्क्वेयर प्लस रो जी एच वन इज इक्वल टू P2 प्लस हाफ रो V2 स्क्वेयर प्लस रो जी एच टू। तो स्टूडेंट देखें, अब यहाँ पे दोनों पे, इसके मिड पे और इसके मिड पे देखें, दोनों की हाइट क्या है, हाइट सेम है। तो हाइट अगर सेम है तो देखें रो जी एच और रो जी एच है, ठीक है, एच वन यहाँ पे जो हम एजम्पशन ले रहे हैं वो ले रहे हैं H1 इज इक्वल टू H2 इज इक्वल टू H। अगर दोनों की हाइट सेम है तो हमारे पास ये चीज़ क्या हो जाएगी, कैंसिल हो जाएगी, ओके। फर्स्ट करें ये, इसका रिजल्ट भी हमारे पास 5 आता है, इसका रिजल्ट भी हमारे पास 5 आता है, तो 5 इक्वालिटी के दोनों साइड पे क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास सिर्फ बचेगी P1 प्लस हाफ रो V1 स्क्वेयर इज इक्वल टू P2 प्लस हाफ रो V2 स्क्वेयर। ओके स्टूडेंट्स, अब यहाँ से क्या करते हैं हम, यहाँ पे रिलेशन P1 माइनस P2 मेरे पास बराबर होगा हाफ रो, और ये मेरे पास यहाँ से बराबर आ जाएगा, अगर मैं कॉमन ले लूँ उन चीज़ों को, तो V2 स्क्वेयर माइनस V1 स्क्वेयर। ओके स्टूडेंट्स, अच्छा अब आपने पढ़ा था कि हमारे पास इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी अकॉर्डिंग टू According to equation of continuity, continuity equation हमें क्या बताती है, वो हमें बताती है कि A1 V1 is equal to A2 V2। अगर मेरे पास दो पॉइंट्स हैं, जिस तरह हमारे पास ये आपको मैंने पाइप का बताया, तो यहाँ से अगर मैं V2 की वैल्यू निकालूँ तो वो क्या आएगी मेरे पास, A1 V1 divided by A, ठीक है स्टूडेंट्स। अगर मैं यहाँ पे इस पे पुट कर दूँ, सॉरी V2 की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दूँ, तो मेरे पास जो नया रिलेशन बनेगा P1 माइनस P2। हम इंटरेस्ट क्या है हमारा, हमारा इंटरेस्ट है कि हम V1 की वैल्यू निकालना चाहते हैं, आवर इंटरेस्ट इज वेलोसिटी एट पॉइंट वन, ओके। तो यहाँ पे मैं अगर पुट कर दूँ हाफ रो V2 की वैल्यू मैंने क्या निकाली है, A1 V1 डिवाइडेड बाई A2 का स्क्वेयर माइनस V1 स्क्वेयर। ओके स्टूडेंट्स, अच्छा अब यहाँ से देखें नेक्स्ट मेरे पास क्या रिलेशन बनेगा, अच्छा P1 माइनस P2 इज इक्वल टू, अगर मैं 2 को यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दूँ और रो को यहाँ पे डिवाइड करूँ, ठीक है स्टूडेंट्स, तो मेरे पास क्या बचेगा यहाँ पे, A1 V1 स्क्वेयर स्क्वेयर डिवाइडेड बाई A2 स्क्वेयर माइनस V1 स्क्वेयर। अगर स्टूडेंट मैं V1 को नेक्स्ट इधर यहाँ से कॉमन ले लूँ, ठीक है, V1 को मैं क्या कर रहा हूँ, कॉमन ले रहा हूँ, V1 माइनस V2 इज इक्वल टू A1 बाई A2 स्क्वेयर माइनस 1 V1 स्क्वेयर। स्टूडेंट्स अब V1 निकालना था मैंने, तो मैं इस चीज़ को इसके नीचे डिवाइड कर देता हूँ, तो मेरे पास V1 स्क्वेयर जो होगा किस चीज़ के बराबर है, V1 मेरे पास आएगा 2 बाई रो यहाँ पे P1 माइनस P2 डिवाइडेड बाई मेरे पास आ रहा है A1 स्क्वेयर माइनस A2 स्क्वेयर माइनस 1, ठीक है स्टूडेंट्स।
तो वी वन स्क्वेयर इज इक्वल टू, मैं अगर इधर एलसीएम टू बाय रो विच इज इक्वल टू पी वन माइनस पी टू डिवाइडेड बाय ए वन स्क्वेयर माइनस ए टू स्क्वेयर डिवाइडेड बाय ए टू स्क्वेयर। ओके स्टूडेंट्स, और अब देखें ए टू यहाँ नीचे डिवाइड हो रहा है, ऊपर जाके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो वी वन स्क्वेयर जो है वो हमारे पास बराबर आएगा। अच्छा इसको नेक्स्ट स्लाइड में करते हैं स्टूडेंट्स, वी वन स्क्वेयर जो है हमारे पास बराबर आएगा किस चीज के, हमारे पास टू बाय रो इंटू पी वन माइनस पी टू। ओके स्टूडेंट, और यहाँ पे हमारे पास आ रहा था ए वन स्क्वेयर माइनस ए टू स्क्वेयर डिवाइडेड बाई ए टू स्क्वेयर। यहाँ पे मैंने क्या किया स्टूडेंट, एलसीएम लिया। अच्छा स्टूडेंट्स, अगर मैं इसको ए टू को देखिए यहाँ पे नीचे डिवाइड हो रहा है, ये तो ऊपर जाके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो वी वन स्क्वेयर जो है मेरे पास बराबर आ जाएगा टू बाई रो इंटू पी वन माइनस पी टू डिवाइडेड बाय ए वन स्क्वेयर माइनस ए टू स्क्वेयर इंटू ए टू का स्क्वेयर। स्टूडेंट्स अगर मैं बोथ साइड स्क्वेयर रूट लें, टेकिंग स्क्वेयर रूट ऑन बोथ साइड, तो वी वन स्क्वेयर इज इक्वल टू टू बाय रो पी वन माइनस पी टू ए वन स्क्वेयर माइनस ए टू स्क्वेयर इंटू ए टू स्क्वेयर रूट। ओके स्टूडेंट्स, अच्छा अब इसको आगे सिंप्लीफाई करते हैं, वी वन का स्क्वेयर स्टूडेंट्स इससे कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा स्क्वेयर रूट टू बाय रो। अच्छा देखिए ये याद रखने के लिए पी वन माइनस पी टू है स्टूडेंट्स, तो नीचे इसके क्या है ए वन स्क्वेयर माइनस ए टू स्क्वेयर, इस तरह ऊपर पी वन माइनस पी टू है इसी तरह नीचे ए वन माइनस ए टू और इन टू स्केयर रूट। अगर देखें दो चीजें मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो हम स्केयर रूट उनका अलहदा कर सकते हैं ए टू स्केयर, तो ये भी हमारे पास क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास जो वी वन की वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, हमारे पास ए टू को अगर मैं पहले लिख दूँ तो मेरे पास टू बाय रो इंटू ए वन माइनस ए टू डिवाइडेड बाय पी वन सॉरी सॉरी ऊपर हमारे पास पी वन माइनस पी टू आएगा पी वन माइनस पी टू डिवाइडेड बाय ए वन स्क्वेयर माइनस ए टू का स्क्वेयर। ये हमारे पास क्या आ गई वेलोसिटी एट पॉइंट वन। अच्छा स्टूडेंट्स अगर आपने वेलोसिटी एट पॉइंट टू निकालनी हो तो वो कैसे निकालेंगे, तो वो आप निकालेंगे इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी से, इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी से। अच्छा वो आप कैसे निकालेंगे, आप लोग देखें ए वन वी वन इज इक्वल टू ए टू वी टू, आपका सही एरिया तो होना चाहिए, आपको एरिया होगा वेलोसिटी वी वन आपको यहाँ से इस रिलेशन से आ जाएगी और वी टू आप देखें वी वन भी हो जाएगा ए वन ए टू हो जाएगा, तो आप क्या करेंगे वी टू की वैल्यू निकाल देंगे। और स्टूडेंट्स मैंने आपको बताना था कि इस रिलेशन के बाद आप देखें जो हमारे पास मैंने आपको बताया था कि अगर जहाँ पे प्रेशर इंक्रीज होगा, प्रेशर इंक्रीज होगा तो वेलोसिटी हमारी क्या होगी डिक्रीज होगी, और प्रेशर हमारे पास जहाँ पे कम होगा वहाँ पे हमारी वेलोसिटी क्या होगी वेलोसिटी बहुत ज़्यादा होगी। इसी तरह आपको कहा जाता है कि जब ट्रेन मूव कर रही होती है और तो उसके पास आपने खड़ा नहीं होना, क्योंकि देखें ट्रेन हाई स्पीड मूव कर रही होती है, ठीक है जब ट्रेन मूव कर रही है तो ट्रेन जो होगी वो हाई स्पीड होगी, हाई स्पीड से मूव करेगी तो यहाँ पे प्रेशर क्या होगा कम होगा, अगर आप यहाँ पे कोई बंदा खड़ा है करीब उसके, ठीक है तो इस जगह पे जो ट्रेन के पास वाला रीजन होगा यहाँ पे प्रेशर बहुत कम हो जाएगा। स्टूडेंट्स यहाँ पे जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा वैसे वो एक फोर्स एक्सर्ट करेगा उस बंदे पे, क्योंकि यहाँ पे प्रेशर कम है यहाँ पे प्रेशर ज्यादा है, जब प्रेशर डिफरेंस आता है स्टूडेंट्स तो यहाँ पे एक फोर्स जनरेट होती है हाई प्रेशर टू लोअर प्रेशर,
ज्यादा चांसेस क्या होते हैं, बंदा ट्रेन की तरफ जाके गिरता है, और या अगर तेज दरिया पानी मूव कर रहा है उसके पास भी नहीं जाना। उसकी भी यही वजह होती है कि हाई स्पीड जब होती है तो वहां पे वैक्यूम क्रिएट होने के चांसेस होते हैं। जब प्रेशर कम होता है, वैक्यूम भी हमारे पास क्या होता है, जीरो प्रेशर, मीन प्रेशर नहीं होता या नेगेटिव प्रेशर। स्टूडेंट जब हमारे पास प्रेशर कम होता है तो हाई प्रेशर से एक फोर्स लगती है जो क्या करती है, एक प्रेशर डिफरेंस जनरेट होता है जिसकी वजह से हमारे पास फोर्स लगती है। अगर कोई बंदा दरिया के किनारे खड़ा है तो वो जाके दरिया में गिरेगा। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज।